राधिका जी। ओह हाय सोनिया, हाउ आर यू? आई एम फाइन यार। और क्या कर रहे थे? अरे यार मैं कुछ अपने अकाउंट्स देख रही थी। अच्छा अकाउंट्स? हाँ। अच्छा ओके ओके, कुछ हिसाब किताब? अरे मैं कुछ अपना हिसाब किताब देख रही थी। हाँ ओके ओके। और तुम सुनो? बस मैं तो यहीं से निकल रही थी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेके। देखिए तो बस मैंने सोचा कि मैं आपका हालचाल पूछ लूँ। बहुत अच्छा, और तुम बड़े अच्छे टाइम पे आई हो यार। हाँ कैसे, क्या हुआ? मैं इस बिजनेस स्टार्ट करने चाहती हूँ। वाओ दैट्स ग्रेट बिजनेस। मुझे ना, मुझे ऐसी लेडीज बहुत अच्छी लगती हैं जो अपना खुद का बिजनेस करना चाहती हैं। आई रियली एडमायर देम। ये बहुत ज़रूरी होता है कि अपना बिजनेस किया जाए और अपनी मतलब यू शुड बी इंडिपेंडेंट, एवरी वुमन शुड बी इंडिपेंडेंट। दैट्स रियली गुड, ग्रेट। किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं आप? ये मैं सोच रही हूँ कैफेटेरिया खोल लूँ। वाओ कैफेटेरिया, दैट्स अ गुड आइडिया। तो मतलब कैफेटेरिया, या इट्स क्वाइट, देयर्स लॉट ऑफ स्कोप। कहाँ खोल रही हैं ये? हमारे ये है ना अपना सेक्टर 37। सेक्टर 37 में? हाँ एक स्वीट शॉप है उसके सामने ही मैं सोच रही हूँ कैफेटेरिया स्टार्ट कर दूँ अपना। तो okay. उसमें थोड़े से स्नैक्स, थोड़े बेकिंग आइटम्स रख के ओके साथ। हाँ नो आइडिया इज ग्रेट। मतलब कैफेटेरिया आप शुरू कर रही हैं, ये तो बहुत ही मतलब आज की डेट में तो कैफेटेरिया सबसे ज़्यादा चलते हैं। और लेकिन सेक्टर में ही खोल रही हैं, सेक्टर के मार्केट में? एक्चुअली आई हैव सम डाउट्स। क्या हुआ? ईटरीज आ रही हैं। ईटरीज आप क्या खोल रही हैं? कैफेटेरिया? अरे कैफेटेरिया में फिर स्नैक्स भी रखूँगी मैं, उसमें कुछ बेकिंग आइटम्स होंगे, कुछ समोसा, कुछ फास्ट फूड, फ्रेंकी, इस टाइप के ढोकला, ये सब भी होंगे ना। अच्छा ये सब होगा। एक्चुअली खाली चाय तो पीने कौन आता है। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। अच्छा तो आप स्नैक्स भी रख रही हैं। अच्छा एक बात बताइए, स्नैक्स आप रख रही हैं तो स्नैक्स रखने के स्नैक्स बनाने पड़ेंगे? या बिल्कुल, स्नैक्स बनाने के लिए आपको शेफ रखना पड़ेगा, एक्सपर्ट शेफ या जिसको ये सब आता हो। बिल्कुल वो तो रखना ही पड़ेगा, खर्चा है। अरे यार अपने यहाँ बहुत मिल जाते हैं जो समोसा और इस तरह के आइटम्स बनाते हैं, बेकरी आइटम बहुत सस्ते सस्ते। ऑलरेडी मैंने 2-3 लोगों से बात की हुई है। अच्छा यहाँ एरिया हाँ में है, वो अवेलेबल इस एरिया में मिल जाएंगे। यहाँ इतने ज़्यादा यहाँ इतने ज़्यादा महंगे शेफ और इन सब की जरूरत नहीं है। यहाँ नॉर्मल ग्रेट, दैट्स ग्रेट, गुड कुक भी काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छी बात है, स्नैक्स आपको शेफ मिल रहे हैं। लेकिन एक बार बताइए, आप ये स्नैक्स वगैरह रख रही हैं, सब पेरिशेबल आइटम्स हैं, मान लीजिए आपका फुटफॉल इतना नहीं हुआ, आप इन पेरिशेबल आइटम्स से करेंगे क्या? ऐसे में मुझे लगता है कि वो ड्राई जो चाय कॉफ़ी वाला सामान होता है ना, वो तो ड्राई रहता है, जब कोई आता है तभी बनाना होता है। आई थिंक वो दैट इज़ बेटर, क्योंकि स्नैक्स रख के तो फिर आपने पेरिशेबल आइटम्स रख लिए, वो उनका तो ख़राब होने का डर है, फिर आप क्या करेंगे? कोल्ड स्टोरेज होएगा हमारे पास, कुछ बच्चे का सामान तो उसमें रखेंगे। कोल्ड स्टोरेज? ठीक है आपने स्टोरेज में रख लिया सामान, ठीक है, पर मान लीजिए फुटफॉल दूसरे दिन भी नहीं आया, तीसरे दिन भी नहीं आया, चौथे दिन भी नहीं आया, किराए का मीटर तो चालू है आपका, वो कैसे सोचेंगे? ये तो किराए की दुकान दी है आपने, किराया देते रहोगे क्या? फुटफॉल अगर नहीं आया तो फिर आई मीन कब तक? That's a question. ये तो है। तो अगर हम ड्राई सामान रख सकते हैं ना, चाय कॉफ़ी कुकीज नमकीन, इसमें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी शेफ की या कुक की ज़रूरत होगी वहाँ पे, वो रख लेंगे फिर। आपको लगता है कि चाय कॉफ़ी कुकी नमकीन खाने के लिए कोई आपकी दुकान में आएगा? यहाँ की कम्युनिटी में ऐसे लोग नहीं हैं, वो चाय कॉफ़ी कुकी नमकीन खाने के लिए आपकी दुकान भी क्यों आएंगे, वो अपने घर में नहीं बना लेंगे? देखिए यहाँ के, मुझे ऐसा लगता है यहाँ के लोग ऐसे हैं कि सामने राज कचौरी मिल रही हो तो वो आपका कुकी खाने क्यों आएगा? इतने कैफेटेरिया, इतनी ईटरीज हैं यहाँ पे हमारे एरिया में, चारों तरफ हैं, एंड वो सब अच्छी चल रही हैं, अच्छा चल उनका बिजनेस हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। कॉम्पिटिशन हो गया आपके लिए, आपने खुद कहा कि ईटरीज और कैफेटेरियाज वगैरह अच्छे चल रहे हैं, तो कंपटीशन हो गया ना।
ऑलरेडी खुले हुए हैं, तो आप कैफेटेरिया यहाँ पे खोलने की सोच रही हैं? मतलब आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया, इट इज इंडीड अ गुड आइडिया, बट आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ. नहीं, बट आपको इंडिपेंडेंटली अपना बिजनेस खोलना चाहिए. आई एडमायर सच वुमेन. ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो, मैन पावर की जरूरत ना हो, तो क्या किया जाए? आई थिंक आप यूट्यूब चैनल खोल लीजिए. यूट्यूब? या देखिए, यूट्यूब चैनल खोलने में कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको कोई शेफ रखना पड़ रहा है ना, आपके कोई पेरिशेबल आइटम्स हैं, कुछ भी नहीं है, बस अपनी रिकॉर्डिंग करी, थोड़ी बहुत एडिटिंग सीख ली और चला दिया चैनल. ये बात तो है, आई थिंक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जा सकता है. अरे मैं ये अपना कैफेटेरिया से रिलेटेड ही क्यों अपना यूट्यूब चैनल खोल रही हूँ, कॉफ़ी चाय, वैरायटी ऑफ टी स्नैक्स, ये आई थिंक इस पर शुरू कर सकते हैं. हाँ, लेकिन एक चीज़ है. क्या? कंपटीशन. यूट्यूब चैनल ऑलरेडी आज की डेट में इतने लोग खोल के बैठे हुए हैं, इतने लोग, इतनी लेडीज़ ऑलरेडी इतना अच्छा कर रही हैं, तो आई एम नॉट श्योर यूट्यूब आपको इतने इम्प्रेशन है, लेकिन आपको कुछ करना ज़रूर चाहिए, क्योंकि आई एडमायर सच लेडीज. करना ज़रूर चाहिए, बट यूट्यूब चैनल का आइडिया भी थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है, वर्केबल नहीं लग रहा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है, मेहनत बहुत है. अब आप अपना देखिए, ऐसा तो नहीं है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप अपना टाइम देंगे, टाइम इज मनी, तो आप इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, तो लेकिन गुड आइडिया, बिजनेस आपको ज़रूर करना चाहिए. यूट्यूब में सिर्फ टाइम की इन्वेस्टमेंट है, एटलीस्ट फाइनेंसिस की तो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट टाइम इज मनी. चलो देखती हूँ फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, सोचना पड़ेगा. नहीं, बट यू शुड डू समथिंग. या बहुत मोटिवेट किया आज आपने मुझे. अरे मैं तो थैंक्स फॉर योर मोटिवेशन. अरे आई लव सच लेडीज, जो आई एडमायर सच लेडीज जो बिजनेस करने की ठान लेती हैं. और अगर आपने ठान लिया तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता. मेरी आदत ही है मोटिवेट करने की, एनी टाइम. थैंक्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक्स इन वॉट एवर यू डू, मे यू बी सुपर सक्सेसफुल. Thank you. Okay. Bye. Bye. Oh my God. Motivation की दुकान. गलती कर दी इसको बताते हैं.